बस में एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि देखो भैया, चाहे चौधरी साहब हो, पार्टियों को पार्टी की बात कर रहा हूँ, चाहे चौधरी साहब हो, चाहे भूदेव साहब हो, चाहे भदौरिया साहब हो, ये तीनों भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और विपिन जी आप भी जानते हैं कि पार्टियाँ आती जाती रहती हैं, आखिरी जो व्यक्ति है उसके साथ वही सुलूक होगा जो होता रहेगा। जब तक वो थाने नहीं गया उसका जीवन ठीक है, एक बार थाने चला जाएगा पता लग जाएगा कि क्या है, और दाल रोटी उसकी वही चलेगी। फर्क बदलता है सिर्फ ठेकेदारों के बीच कि अभी मान लीजिए कि किसी ठाकुर या ब्राह्मण को ठेके बट रहे हैं तो फिर ज्यादा से ज्यादा होगा यादवों को बट जाएंगे, मुसलमानों को बट जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा किसी और जात धर्म के लोगों को बट जाएंगे। तो ठेकेदारों की जो चीजें हैं वो बदलती हैं, ठेकेदारों के नाम बदलते हैं, और ब्यूरोक्रेसी का क्या है, ब्यूरोक्रेसी तो आज इधर कल उधर परसों उधर, ये भी चीजें सामान्यतः एक साथ ही रहती है। और प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासन चलाने में आज तक विपिन जी मैं बड़ा कायल हूं कि जब मायावती जी के बारे में पढ़ता हूं तो 2007 में जब मायावती जी आई थी तब बच्चा बच्चा एक एक आदमी ठेकेदार से लेकर बच्चा बच्चा सब बहुत खुश थे कि मायावती जी आई है, एक ऐसी महिला आई है जो सब पलट कर रख देगी, सब पलट कर रख देगी। पता चले वो एक खबर थी कि बांदा में वो शाम को 6:30 बजे अस्पताल पहुंच गई, बोली डॉक्टर कहां है, अब सब भागम दौड़ सब भाग रहे हैं। तो मायावती जी ने तो बहुत कुछ पलटने की सब कुछ कोशिश की। और कल्याण सिंह साहब जब आए थे तब चौधरी साहब आप सुनिएगा आपके लिए है, कल्याण सिंह साहब जब उनकी सरकार थी तब 19% रिजल्ट गया था 10th क्लास का 19%, और आपकी जब सरकार थी तब ऐसी ऐसी खबरें आती थी कि खिड़कियां क्या, दरवाजे क्या, क्या मास्टर बाहर कि स्टूडेंट अंदर, और कहां कहां कॉलेज खुले, कहां कहां नहीं खुले, ये सब भी सबने देखा, ठीक है ना सर। और ऐसा ही भदौरिया साहब की बात बता दूं, लोग बताते जो लोग कह रहे हैं मैं वही बात कर रहा हूं। भदौरिया साहब आप जब कहते हैं कि बुलडोजर चला यहां चला वहां चला, आपने कभी ये नहीं बताया कि बुलडोजर पर जो ड्राइवर है वो ठीक है कि नहीं है, बुलडोजर चलते चलते कहीं किसी प्रवीण तिवारी को कहीं मार दिया गोली, कहीं किसी को होटल से निकाल के वहां मार दिया किसी को, ये नहीं बताते कभी आप कि मारते मारते इतना मार दिया कि बेचारा जो जिसकी कोई गलती नहीं उसको भी मार दिया, लपेटा तो इतना लपेटा कि क्या लपेटा, कभी आप ये नहीं बताते सर, कभी नहीं बताते सर। और भूदेव शर्मा साहब आपकी पार्टी पर, आप तो सबसे पहले जब योगी जी जब सरकार में आए थे तब बताया जाता है कि उन्होंने छिड़काव करवाया था शुद्धि के लिए, सबसे पहले तो भूदेव जी एक ताई हैं मुझे मिली थी हापुड़ में, उन्होंने कहा कि जब भी आपसे कांग्रेस के कोई मिले तो उनसे कहिएगा छिड़काव करा लें, आपको छिड़काव कराइए सबसे पहले। आप आए कैंपेन लेकर आए, बढ़िया बस्ता एकदम बढ़िया पोस्टर वोस्टर छपवाए, पीछे पोस्टर लगवाए, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पोस्टर में जितनी लड़कियां थी आज वो कोई इधर है कोई उधर है कोई उधर है कोई उधर है, एक लड़की नहीं पोस्टर वाली बची, बकायदा दोबारा वो पोस्टर लगवा लें, लगवा ही नहीं सकते आप, सब पोस्टर वाली चली गई इधर के उधर। उदेव शर्मा साहब आप छिड़काव कराइए, और संजीव चौधरी साहब आप और आपकी पार्टी के जितने लोग हैं, एक एड्रेनलिन रश करके बात होती है या डोपामाइन रिलीज होता है, इतना ज्यादा डोपामाइन रिलीज हो गया है, इतना ज्यादा रिलीज हो गया है कि पार्टी कार्यकर्ता मान ही नहीं रहे हैं। वीडियो आ रही है भाई साहब, वीडियो आ रही है कि डंडा लेकर पुलिस के ऊपर ही चढ़ बैठे। एक वो भाई साहब हैं आपकी पार्टी के, अंसारी साहब के बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि 6 महीने तक कोई बदलने नहीं देंगे, 6 महीने तक एक एक अधिकारी यही रहेगा। अब मैंने अधिकारी को फोन किया तो अधिकारी कह रहा है अरे कुछ ना होना इनसे, अब बताइए। तो चौधरी साहब थोड़ा सा, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप इतना ज्यादा उत्साहित हो चुके हैं, डोपामिन इतना रिलीज कर दिया है कि लड्डू मिठाई बर्फी सब अगर आसपास हर जगह आप बुक कर चुके हैं, बैंड बाजे की राजा बैंड बाजे के पास बुकिंग करवा दी है। तो मैं वही कह रहा हूं थोड़ा धैर्य रखिए 10 मार्च को नतीजों को, क्योंकि अच्छी बात है आप जीते भदौरिया साहब कोई भी जीते सबको शुभकामनाएं हैं, ऊंची महली दीवारों से हमारा क्या लेना देना भाई, कोई आए जाए हमारा क्या लेना देना, आती जाती सरकारों से हमारा क्या लेना देना। लेकिन चौधरी साहब ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, 10 मार्च को हम भी होंगे, आप भी होंगे, भदौरिया साहब भी होंगे, शाम तक धीरे धीरे जैसे धुंध हट जाएगी तब इतनी चुटकी लीजिएगा, और अगर आप जीत जाए तो मैं कह रहा हूं कागज की वो बनाकर, उसको क्या बोलते हैं, हवाई जहाज बनाकर उड़ाइएगा और कहिएगा जी ले भदौरिया साहब के ऊपर गिरेगा, ये जो करना हो वो करिएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। अभी तो आप बस आते हैं कि मजमा लूट ले सब कुछ, सब हो गए, बड़े भाई हैं, बड़ी जल्दी है साहब, चलिए ठीक है। और भूदेव शर्मा साहब आपको छिड़काव वाला जो आज मैंने एडवाइस दे दिया है उसको रख लीजिएगा चुपचाप, क्योंकि ताई जी ने भेजी है हापुड़ से आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।